हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं हूं सलोनी राजपूत आपकी मैथ्स टीचर सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन किस चीज का इंट्रोडक्शन आपके चैप्टर का नोइंग अवर नंबर्स क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर है पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको जो हमको इस चैप्टर में करने हैं कवर आज मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगी नंबर्स के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें क्या होते हैं नंबर कितने टाइप के नंबर होते हैं किस टाइप के नंबर्स और किस रूल्स से हमको इस चैप्टर में करना है डील तो चलिए आपने सबसे पहले सुने होंगे नेचुरल नंबर्स या इनफैक्ट आपको बताए गए होंगे काउंटिंग नंबर्स आप लोग को पता होगा काउंटिंग नंबर्स अब आप कहे काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं तो काउंट अगर हमें किसी चीज़ को करना होता है तो हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है नंबर्स की यस yes. अगर आपकी क्लास टीचर आपको बोलती है कि बताइए आज कितने बच्चे प्रेजेंट हैं तो आपको क्या करना पड़ता है आपकी क्लास के सारे बच्चों को काउंट करना पड़ता है तो आप कैसे काउंटिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो ऑन ऐसे ही काउंटिंग करते हैं आप राइट right? लेकिन नंबर्स नहीं आते तो फिर कैसे गिनते हैं आपके कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं कितने बच्चे एबसेंट हैं ऑन दैट मीन्स नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में हमारी लाइफ नंबर्स के बिना तो बिल्कुल समझो पॉसिबल ही नहीं है हर जगह नंबर्स हैं अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की चीज़ आ रही है नंबर से पता चलती है हमको राइट right? है ना कोई चीज़ आपके पास लाइक like, काउंटिंग में करना है वो नंबर है आपके एग्जाम्स में मार्क्स आ रहे हैं वो नंबर है तो हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं तो ये है आपके नंबर्स अब हमको नोइंग अवर नंबर चैप्टर में नंबर्स के बारे में थोड़ा जानना है तो मैं बता दूं आपको कि काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं जिन नंबर्स की हेल्प से हम काउंट करते हैं और काउंटिंग नंबर्स को ही क्या बोलते हैं नैचुरल नंबर्स भी बोलते हैं ये बात आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और ये नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ से आप हमेशा काउंट शुरू करते हो वन से तो वन से लेके हमारे नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और कहाँ तक जाते हैं कहीं तक भी जा सकते हैं काउंटिंग तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती जब तक काउंट करो जो जितनी चीजें हैं उतनी काउंट करना पड़ेंगी तो हम बोलेंगे कि वन से लेके काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं और एंड उनका नहीं है क्लियर हुआ एंड नहीं है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं इंफिनिटी भी बोलते हैं ये उसका साइन होता है इंफिनिटी का मतलब चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है खत्म ही नहीं हो रहा क्लियर हो गया तो ये एक तरीके के नंबर्स हैं इसके बाद आते हैं होल नंबर्स होल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं डब्ल्यू एच ओ ई नंबर्स होल नंबर्स शुरू होते हैं जीरो से यस yes. अगर नेचुरल नंबर में जीरो और मिला दूं तो वो क्या बन जाएंगे होल नंबर्स बन जाएंगे। तो कोई आपसे पूछे कि होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं तो आप कहोगे जीरो तो वन टू थ्री फोर एंड सो कहाँ तक इंफिनिटी तक ये सब क्या है आपके होल नंबर्स हैं नेक्स्ट चीज जो है वो कई की आती है आपकी इंटीजर्स यस इंटीजर्स हमने पढ़ने हैं इंटीजर्स तीन तरह के होते हैं इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और उसमें आता है एक जीरो भी यानी कि अगर सारे जीरो से शुरू करूं मैं वन टू थ्री और जहां तक जाती जाऊं कहां तक इन्फिनिटी तक और जीरो के पहले कौन से नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं तो ये भी कहां तक जाएंगे

अब आगे हमें कुछ बात बताऊंगी कंपेयरिंग नंबर्स कोई भी नंबर को आप कंपेयर कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा तो वो चीज़ें हम चैप्टर में भी आगे सीखेंगे अभी अगर छोटे से फॉर्म में देखूँ मैं तो हमारे सिंगल डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं सिर्फ एक डिजिट जीरो से नंबर शुरू होते हैं वैसे और कहाँ तक जाते हैं नाइन तक नंबर सिर्फ हमारे पास कितने हैं ये दस नंबर ही हैं आप कहोगे नहीं मैम हंड्रेड भी नंबर है टू हंड्रेड भी नंबर है तो सिर्फ दस नंबर कैसे हो सकते हैं नहीं ओरिजिनल जो नंबर है वो सिर्फ हमारे पास कौन कौन से हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बाकी इनके अलावा जितने भी नंबर्स आपको पता है वो इन्ही नंबर्स के बने हुए हैं मतलब इन्हीं नंबर की हेल्प से हमने और नंबर बनाए जैसे नाइन के बाद अगर टेन आता है तो वो कैसे आएगा नाइन प्लस वन करके अगर क्या आता है टेन के बाद इलेवन आता है तो वो कैसे आएगा नाइन प्लस टू करके अगर ट्वेल्व चाहिए तो कैसे आएगा नाइन प्लस थ्री करके आया समझ में तो ओरिजिनल नंबर्स क्या है जीरो से नाइन तक है बाकी जितने भी नंबर्स है वो हम इन्हीं नंबर्स के हेल्प से बनाते हैं क्लियर हो गया चलिए जीरो सबसे छोटा नंबर माना जाएगा उससे आगे बढ़ते जाएंगे हम तो नंबर्स क्या होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं क्लियर हो गया आपको चलिए अब एक चीज होती है इवन नंबर और, और नंबर 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 अब इवन किसको किसको कहते है और और किसको कहते हैं हैं और ये कैसे पता चलेगा तो देखिए सबसे जो मतलब मैंने जो छोटी क्लास में खुद से डेफिनेशन सीखी थी वो क्या थी कि कोई भी नंबर जो टू की टेबल में आए टू की टेबल तो हम सबको याद होती है है ना तो कोई भी नंबर जो टू की टेबल में आ रहा है वो क्या कहलाता है इवन नंबर कहलाता है जैसे कि टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये सारे क्या हैं आपके इवन नंबर हैं और जो भी नंबर टू की टेबल में नहीं आते वो क्या हो जाएंगे ऑड नंबर हो जाएंगे वो कौन से होते हैं आपके वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड ऑन क्लियर हो गया ये आपके क्या हो गए इवन नंबर और ऑड नंबर हो गए और आप क्या सीखोगे इस चैप्टर में और आप कुछ ब्रैकेट्स का यूज करना सीखोगे तो ब्रैकेट्स भी तरह तरह के होते हैं ये ऐसे वाले ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट ऐसे वाले ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स इस टाइप के ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स तो इनका यूज कहाँ कैसे होना है ये सब भी मैं आपको चैप्टर के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं बताती जाऊँगी तो आपको एक छोटा सा आइडिया तो लग गया होगा कि ये जो हम मैं बताना चाह रही थी कि क्या है ये अपना चैप्टर ये किस बारे में है तो ये नंबर्स के बारे में है नंबर्स आपकी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर में मैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही जो हमारा क्या था वेरी फर्स्ट टॉपिक था आपका कंपेयरिंग नंबर्स का ये शुरू करूंगी नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं एंड सोन so तो ये कंपेयरिंग नंबर्स का टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा आपकी एनसीआरटी की बुक के, के हिसाब से ही सो so, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है मैग्नेट ब्रेंस डॉट कॉम वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स वीडियोस के साथ साथ आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे एंड क्या होगा डेली अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब का जो चैनल है मैग्नेट ब्रेंस उसकी कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर विजिट करें सो थैंक यू सो मच एंड बाय